चलो अंजलि लिखो तीन का पहाड़ा, तब तक रागिनी तुम इधर लिखो नौ का पहाड़ा या सात का लिखो, सात का। हाँ दो लोग एक साथ लिखेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो कार्तिक तुम लिखो, अब लिखो यो, इसमें तुमको लिखना है चार का पहाड़ा, दे दो चौक दो कार्तिक रागिनी। हाँ इसी इसी बिंदी पे ऊपर से लिख सकते हो जहां तक हाइट तुम्हारी पहुंच। अंजलि हो गया, चलो अगली बारी है श्याम सुंदर, लिखो तुम नौ का पहाड़ा। साफ लिखेंगे जिससे बाकी बच्चों को भी आपकी राइटिंग समझ में आ जाए। तो ये हमारे पहाड़े लिख गए हैं, ठीक है। अब रागिनी वहां पे एक सवाल लिखो, हम बता रहे थे, लिखो चार गुड़े पांच, ये सवाल है हमारा, इसका क्या मतलब है? इसका पांच गुड़े चार। नहीं नहीं इसका क्या, इस हाँ चार बार पढ़ना, इसका मतलब हमारे पास हाँ चार चार के कितने समूह है? पांच समूह है, तो चलेंगे ढूंढेंगे इसको चार के पहाड़े में, ढूंढो। हाँ और उस संख्या पे गोला बनाएंगे, वेरी गुड। आप उल्टा करेंगे इसका, पांच के पहाड़े में चार बार भी ढूंढ लेंगे, है ना, देखेंगे क्या उत्तर एक जैसा मिल रहा है, क्या उत्तर एक जैसा है, क्या मिली है, कौन सी संख्या 20 यानी कि 20। चलो बराबर करके उसमें 20 लिखो, ऐसा ही ये खेल है, ठीक है। कुछ सवाल हम लिख दे रहे हैं, उनको आपको करना है, ठीक, समझ गए सभी लोग खेल करने जा रहे हो? तीन गुड़े सात, यानी कि हमें तीन तीन के कितने समूह लेने हैं? सात समूह लेने हैं। चलो कौन सी संख्या मिली है? 21। ठीक है, दोनों तरफ हमको क्या मिला? ठीक, इसलिए ऐसे वाले सवालों में तीन का समूह कितना बन रहा है? सात, और सात के समूह कितने बन रहे हैं? तीन, तो एक ही बात आई। दो का लिखा नहीं है ना, दो का नहीं लिखा, अच्छा यहाँ करो ऐसा चेंज कर लो यहाँ पे। कौन सी संख्या मिल रही है? मतलब अगर हम नौ नौ चीजों को चार बार रखें, ठीक है, जैसे नौ पेंसिल एक जगह, फिर नौ पेंसिल एक जगह, फिर नौ पेंसिल एक जगह और फिर नौ पेंसिल एक जगह, तो हमें 36 चीजें मिलेंगी। हाँ। और चार नवाई भी क्या मिल रहा है? 36, वेरी गुड। चार चार चीजों को नौ समूह में रखें तब भी 36, तो ये बराबर हो गए दोनों, ठीक। नेक्स्ट चलो कोई भी बच्चा, हाँ अरुण के पहाड़े में क्या चीज नहीं है? नहीं। क्या चीज नहीं है यहाँ पहचानो? पांच पांच में दोनों है। दोनों बार पांच ही, यानी कि गुणक और गुण दोनों ही हमारे क्या है? पांच ही हैं। तो हमें कोई और दूसरा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या? पांच ही पहाड़े में ही पांच बार में मिल जाएगा। बच्चा पच्चीस, ठीक नेक्स्ट। अर्चन अर्चन 48, चलो अगला सवाल करो। चार गुणे तीन, चार चार चीजें तुम्हें तीन जगह, तो सात वाला कर लो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें एक चीज और छुपी हुई है, वो हम बताएंगे, ठीक है। गोला नहीं किया उस पर, गोला बनाओ संख्या। हाँ 49, 40 9 49,
चालीस नौ उनचास सात सते उनचास। अच्छा चलो नेक्स्ट कौन बचा, कार्तिक पूछो जल्दी से। चार गुड़े तीन वाला, चार चार के हमें कितने समूह बनाने हैं इस सवाल में? तीन। वेरी गुड, कितनी चीजें बन जाएंगी? बारह। ठीक ठीक है, वो मान लिया हमने, आगे करो उसमें, उस वाले में देखो। ठीक, उस सवाल में भी ढूंढो, तीन वाले में चार बार ढूंढो पलट के, तीन के पहाड़े में चार बार जाओ। बहुत बढ़िया, बारह मिला दोनों बार। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो चीज हम सिखाना चाह रहे थे वो देखना आप क्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने सवाल किए तो सभी बच्चों ने एक चीज देखी यहाँ पर कि या तो हम चार गुणे पांच कर रहे हैं या हम पांच गुणे चार कर रहे हैं, यानी कि इस सवाल को अगर हम पलट भी दें ऐसे करके तब भी हमें उत्तर क्या मिल रहा है? तीस मिल रहा है। ठीक है, पांच चीजें कितनी बार? चार बार। पांच के बारे में बताएंगे, चार बार बीस मिल रहा है, और यहाँ पर चार चीजें, चार चार चीजें बार बार कितनी बार? पांच बार, तो चार चार चीजें पांच बार भी बीस मिल रही है। तो मैम ने सिखाया क्या इस सवाल में? क्या ये बताया कि गुण और गुणक को अगर हम पलट दें तब भी हमारा जो उत्तर है वो बीस ही नहीं, मतलब कोई भी उत्तर होगा वो एक जैसा आएगा। ठीक है, एक जैसा के द्वारा तीन गुणे सात देखो या सात गुणे तीन देखो, एक ही चीज है। लेकिन इसके चित्रों में अंतर है, इसकी जो मतलब देखना आप पढ़ोगे तो वो उसमें अंतर है। यहाँ देखो क्या है, ये चार 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 चीजें, ये है एक कटोरी। ठीक है, यहाँ फिर चार चार चीजें, सभी कटोरियों में कितनी चीजें बनाई हैं? थोड़ा बुरा ग्रुप में ठीक है।